हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स अंकिता चौबे और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रस्ट गर्डर ब्रिजेस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिजेस यूज़ होते कहाँ कहाँ पर हैं। देखिए, ब्रिजेस यूज़ होते हैं हाईवेज़ में, रेलवेज़ में, ठीक है। और ये मेनली कितने टाइप के होते हैं, या तो वो ट्रस्ट गर्डर ब्रिज होगा या तो वो प्लेट गर्डर ब्रिज होगा, है ना। और इसके कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं। तो आज इस यूनिट में हम क्या क्या जानेंगे, आज इस यूनिट में हम जानने वाले हैं पूरा इंट्रोडक्शन कि ट्रस्ट गर्डर ब्रिजेस होते क्या हैं, कहाँ पर यूज़ होते हैं और उनके क्या क्या टाइप्स हैं। तो लेट अस बिगिन। देखिए, अगर हम ब्रिज के टाइप के बात करें तो जनरल वे में अगर बात करी जाए तो ये जो ब्रिजेस होते हैं, अगर उनको हम लोड के हिसाब से, ट्रैफिक लोड के हिसाब से डिवाइड करें, तो पहला होता है हाईवे ब्रिज, दूसरा होता है रेलवे ब्रिज, तीसरा होता है कंबाइंड हाईवे और रेलवे ब्रिज। कई सारी जगह पे हम कंबाइंड यूज़ करते हैं हाईवेज़ का और रेलवेज़ का। कुछ कुछ जगह पे हम फुटओवर ब्रिज का भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे व्हीकल अलाउ नहीं होते, खाली पाथ पैसेज वे होता है जहाँ पे आप अकेले ही जा सकते हैं, ठीक है, पाथ वे की तरह। और आगे देखते हैं, अगर हम बात करें किसकी, फ्लोरिंग सिस्टम की, ये मेन है। अगर आप फ्लोरिंग सिस्टम की बात करते हैं तो फ्लोरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारे अलग अलग टाइप के ब्रिज होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है डेक टाइप ब्रिज, ठीक है, तो दूसरा होता है थ्रू टाइप ब्रिज, और तीसरा होता है हाफ थ्रू टाइप ब्रिज। ओके, तो अगर हम बात करें इनमें भी मेनली, अगर हम बात करते हैं फ्लोरिंग की, तो ये दो तरीके से डिवाइड होते हैं। या तो ये प्लेट गर्डर के फॉर्म में होगा फ्लोरिंग सिस्टम, या फिर ये ट्रस के फॉर्म में होगा, है ना। तो अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है प्लेट गर्डर में और ट्रस गर्डर ब्रिजेस में। देखिए, जो हमारी प्लेसिंग ऑफ फ्लोरिंग रहती है प्लेट गर्डर ब्रिजेस में और ट्रस गर्डर ब्रिजेस में, ये दोनों अलग अलग होती है। इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि कहाँ पे हम इनका यूज़ करने वाले हैं। देखिए, अगर प्लेट गर्डर ब्रिज की बात करते हैं तो प्लेट गर्डर ब्रिज के केस में, प्लेट गर्डर ब्रिज के केस में क्या होगा, जो आपका प्लेट गर्डर ब्रिज है ये यूज़ होता है जब हम लेंथ लेते हैं कितना, 30 मीटर। तो 30 मीटर तक के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ट्रस गर्डर ब्रिजेस का यूज़ करेंगे। अगर हमें लेंथ बढ़ानी है, अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो मतलब फैब्रिकेशन कॉस्ट प्लेट गर्डर ब्रिज में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर देने के लिए, जो हमारी रेंज रहती है 30 मीटर से लेके 250 मीटर तक, तो 30 मीटर से 250 मीटर तक हम किसका यूज़ करेंगे, ट्रस गर्डर ब्रिजेस का यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जो ट्रस गर्डर ब्रिजेस है और प्लेट गर्डर ब्रिजेस हैं, इसका फ्लोरिंग सिस्टम के हिसाब से ही हम इसको बताएंगे कि ये कौन सा डेक टाइप है, कौन सा थ्रू टाइप है, कौन सा हाफ थ्रू टाइप है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लेट गर्डर ब्रिजेस की। प्लेट गर्डर ब्रिजेस में जो फ्लोरिंग सिस्टम रहता है, तो प्लेट गर्डर ब्रिजेस का फ्लोरिंग सिस्टम कैसा रहता है। प्लेट गर्डर ब्रिजेस में जो हम फ्लोरिंग सिस्टम देते हैं, ये फ्लोरिंग सिस्टम हम देते हैं किसके ऊपर, फ्लैंजेस के ऊपर। ये जो फ्लैंज है, आई सेक्शन का जो हमारा फ्लैंज रहता है, इसके ऊपर हम क्या दे रहे हैं, फ्लोरिंग सिस्टम दे रहे हैं। तो अगर हम फ्लैंज के ऊपर फ्लोरिंग सिस्टम दे रहे हैं, दैट मीन्स उसको हम क्या कह रहे हैं, डेक टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज कह रहे हैं। अगर हम जो फ्लोरिंग सिस्टम दे रहे हैं ये बॉटम फ्लैंज पे दे रहे हैं, अगर फ्लोरिंग सिस्टम बॉटम फ्लैंज पे दिया जाए तो उस टाइम पे उसको क्या कहा जाएगा, उस टाइम पे उसको कहा जाएगा थ्रू टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज। अगर फ्लोरिंग सिस्टम हम दें दोनों के बीच में, मतलब टॉप फ्लैंज और बॉटम फ्लैंज के बीच में अगर हम दें, तो हमें, हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं हाफ थ्रू टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये वाले डायग्राम में हम जो फ्लोरिंग सिस्टम दे रहे हैं ये किसके ऊपर दे रहे हैं, डियर, फ्लैंज के ऊपर दे रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डेक टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज कह रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम ट्रसेस की बात करते हैं। देखिए, ट्रसेस में क्या हो रहा है, इसमें हम दे रहे थे फ्लैंज के ऊपर और अब हम ट्रसेस में काय में काय के ऊपर देंगे। तो देखिए, जो हम बात कर रहे थे ट्रस गर्डर ब्रिजेस की, तो पहले तो हम देख लेते हैं कॉर्ड कहते किसे हैं। तो कॉर्ड किसे कह रहे हैं, देखिए ये जो कॉर्ड है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं
स्टॉप कॉट, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो बॉटम पार्ट है, उसको हम कहते हैं बॉटम कॉर्ड, ठीक है। ये है हमारा क्या, बॉटम कॉर्ड है, ठीक है, ओके। तो टॉप कॉर्ड और बॉटम कॉर्ड से अब हम देखिए, हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि किस तरीके से जो हमारा ट्रस गर्डर ब्रिजेस है उसको हम कैसे अलग अलग टाइप से हम दे रहे हैं। अगर देखिए, अगर क्या हो रहा है, अगर हम हमारा फ्लोर को प्लेस कर रहे हैं टॉप कॉर्ड पर, अगर हम प्लेस कर रहे हैं किसके ऊपर, टॉप कॉर्ड पर प्लेस कर रहे हैं किसको, हमारा फ्लोर को, उस टाइम पे हम इसको क्या कहते हैं, उस टाइम पे हम इसको कहते हैं डेक टाइप ट्रस गर्डर ब्रिजेस, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कि कहाँ पे प्लेस करें, अगर हम प्लेस करें हमारी फ्लोरिंग सिस्टम को बॉटम कॉर्ड पे, उस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, थ्रू टाइप ट्रस गर्डर ब्रिजेस कहेंगे। और इसी तरीके से अगर हम इन दोनों के बीच में इसको प्लेस कर दें तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, सेमी थ्रू टाइप या हाफ थ्रू टाइप ट्रस गर्डर ब्रिजेस, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, ये है एग्जांपल डेक टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज का, ठीक है। ये है थ्रू टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज, हाफ थ्रू टाइप, ये जो है हमारा, ये है हाफ थ्रू टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज, ओके। ये है हमारा थ्रू टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज, ये क्या है हमारा, थ्रू टाइप प्लेट गर्डर ब्रिज है। ट्रस का एक और टाइप होता है जिसको हम कहते हैं पार्ट ट्रस। तो यहाँ पे अभी मैं फोटो अकेला दिखा रही हूँ, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या होता है इसमें, कैसे लोड ट्रांसमिशन होता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि 18th सेंचुरी में पहले हम लोग क्या करते थे। देखिए, इधर पे क्या होता है, जो भी ट्रसेस रहती है, तो जब हम ट्रस की बात करते हैं तो ट्रस की कंडीशन में जो हमारा फोर्स रहता है वो रहता है कंप्रेसिव फोर्स और रहता है हमारा टेंजाइल फोर्स। तो पहले के पुराने 18th सेंचुरी के पहले हम क्या करते थे, 18th सेंचुरी से पहले जो भी हमारा कंपोनेंट रहता था कंप्रेशन का, तो कंप्रेशन जहाँ पे ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे हम देते थे टिम्बर का यूज़, वहाँ हम किसका करते थे, वहाँ हम यूज़ करते थे टिम्बर का, ओके। और जहाँ पर आता था टेंशन मेंबर वहाँ पे हम यूज़ करते थे किसका, स्टील का, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया, रॉट आयरन हम यूज़ करने लगे, तो रॉट आयरन का यूज़ करने से हमने रिप्लेस कर दिया रॉट आयरन ने किसको, जो हम पहले यूज़ कर रहे थे उसका, वुड का यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह हम अब रॉट आयरन का यूज़ करने लगे, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रसेस, ठीक है। तो देखिए, ये जो ट्रसेस हैं ये मेनली अगर आप ध्यान दें तो ट्रसेस जो भी हैं ये काय के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये कैसे हम इनको डिफर कर रहे हैं, जैसी जैसी इसमें डियर ब्रेसिंग दी है उसी ब्रेसिंग के हिसाब से हमने क्या करा है, इनको इनका अलग अलग नाम दिया है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये कैसी ब्रेसिंग है, यहाँ पे के टाइप की ब्रेसिंग है, तो इसको हमने के टाइप ट्रस गर्डर ब्रिज दे दिया। एन टाइप होता है, अलग अलग टाइप का होता है। तो अभी हमें मेनली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एक तो पार्ट ट्रस के बारे में पढ़ना है डिटेल में कि आखिर ये क्या होता है पार्ट ट्रस और इसमें लोड का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसको जानने के लिए ट्रसेस में बहुत ही हम आसानी से निकाल लेते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की मदद से, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हम इसको फाइंड करेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की मदद से। तो आगे वाले लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में बताऊंगी कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होता है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे हम यूज़ करेंगे। तो इसमें मेन हम बात करेंगे कंप्रेशन की और टेंशन की, याद रखना है क्या, कंप्रेशन की और टेंशन की बात करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जो ट्रस गर्डर ब्रिजेस हैं, ट्रस गर्डर ब्रिजेस इनके कुछ कंपोनेंट रहते हैं, क्या क्या कंपोनेंट, जो मेन कंपोनेंट है वो क्या क्या है। पहला है इसका मेन ट्रस गर्डर, ठीक है, दूसरा है फ्लोरिंग, तीसरा है जो हम इसमें ब्रेसिंग दे रहे हैं टॉप में और बॉटम में। इसके बाद देखिए, इसमें पूरा ब्रेसिंग का ही काम है, ट्रस गर्डर ब्रिज में अलग अलग टाइप से हम क्या दे रहे हैं, ब्रेसिंग्स दे रहे हैं। अच्छा, अभी मैं बता रही थी ना आपको टॉप कॉर्ड, तो
तो ये देखिए, ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या कह रहे हैं, टॉप कॉर्ड कह रहे हैं। बॉटम कॉर्ड कैसे कह रहे हैं, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम क्या कह रहे हैं, बॉटम कॉर्ड कह रहे हैं। ठीक है, ये जो फ्लोरिंग सिस्टम है ये देखिए, ये वाला फ्लोरिंग सिस्टम कहाँ बीच में आ रहा है, ये जो हमारा फ्लोरिंग सिस्टम है ये कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है दोनों कॉर्ड्स के बीच में, थोड़ा इसका जो लेवल है नीचे से थोड़ा ऊपर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेमी थ्रू टाइप कहते हैं। अगर यही फ्लोरिंग सिस्टम कहाँ दिया जाए, बिल्कुल बीनीथ बॉटम में दिया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डेक टाइप, उसको हम कहेंगे थ्रू टाइप। और अगर जो हमारा फ्लोरिंग सिस्टम है अगर हम इसको कहाँ दे देंगे, टॉप पे दे देंगे, तो इसको हम कहेंगे डेक टाइप। ठीक है, इसमें और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, एक तो होता है एंड फ्लोर बीम। जो एंड फ्लोर बीम रहती है इसमें मैक्सिमम आपका जो लोड रहता है आता है एंड फ्लोर बीम्स में। अभी देखिए क्या होता है, जो लोड का ट्रांसमिशन होता है ट्रसेस में वो किस तरीके से होता है, जब लोड आता है किसके ऊपर, ये जो हमारा फ्लोर है जब इस पर लोड आएगा तो ये लोड कहाँ ट्रांसमिट करेगा, ये लोड ट्रांसमिट करेगा बीम को, बीम लोड किसको ट्रांसमिट करेगी, बीम लोड करेगी कॉलम को, कॉलम से कहाँ चला जाएगा, फाउंडेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो सो गाइस, मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉन्सेप्ट अगर आप जान लेते हैं तो आपको कोई भी चीज़ याद करने की, लर्न करने की, रटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें जानेंगे कॉन्सेप्ट और कहाँ पे कैसे हम इजी वे में सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, जितना इजी वे हो सकता है उतने इजी वे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाली हूँ, तो बी रेडी फॉर इट। ओके ओके गाइज, तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें।